मैंने इससे पहले बताया था कि कहरवा को कैसे 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 कहां आप यूज कर सकते हैं, कैसे बजा सकते हैं, लेकिन कहरवा के पैटर्न को भी जानना जरूरी है आपको, है ना। अब जैसे कैसे बजाएंगे, अब सिंपल ठेका है, बहुत से लोग तो धागे ऐसा बोल के अनुसार बजा लेते हैं, लेकिन जब हम लाइट के पोर्शन में चलते हैं, जैसे फिल्म के गाने पे चलते हैं या कोई इस टाइप से जो प्रोफेशनली तरीके से गाने बजाने हो रहे हैं उस पे, तो उसके थोड़े स्टाइल चेंज हो जाते हैं। अब इसके स्टाइल को थोड़ा थोड़ा बदलते जाइए, थोड़े थोड़े चेंजिंग आते जाए, समझे। अब चेंज हुआ, चेंज हो गया, फिर इसी ठेका को चेंज करेंगे, बज सकते हैं कहरवा के। आप एक सीधा ठेका ले लीजिए और उतने मात्रे में थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करें, तो कुछ ना कुछ बन बन के आता जाएगा, ऐसे करके आपके कलेक्शन तैयार हो जाएंगे। लाइफ में सुनना बहुत जरूरी है, आप उस चलन को सुनेंगे तो काफी कुछ आपको समझ में आने लगेगा। कभी कभी नहीं आता है तो बोलो का सहारा लेना।